नमस्कार, मैं प्रिया। आज 8 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चक द क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। आज सुबह के अर्घ्य के साथ ही खत्म हो जाएगा छठ। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया खाना बनाने का सही समय। बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम की हुई घोषणा। शराबबंदी कानून में संशोधन से जेल में बंद आरोपित को बड़ी राहत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज सुबह के अर्घ्य के साथ ही खत्म हो जाएगा छठ। चैती छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाय के साथ हुई थी, जिसके बाद खरना हुआ जिसमें प्रसाद बांटा गया, तो व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत पर थी। बीते शाम को डूबते सूरज को पहला अर्घ दिया गया, जिसके बाद ही अब 8 अप्रैल यानी कि आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये समाप्त हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व चैत्र और कार्तिक मास में पड़ते हैं। इन पर्व में कार्तिक मास यानी अक्टूबर नवंबर में पड़ने वाले छठ का अधिक महत्व है। 4 दिवसीय छठ के इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं और सूर्योदय के समय देकर व्रत खोलती हैं। आपको बता दें कि चैती छठ का काफी अधिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। बिहार झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी। रेलवे में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के लिए हमारी यह खबर बेहद ही खास है। ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ने नोटिफिकेशन जारी कर कई पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। सबसे खास बात यह है कि इस नौकरी को हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं देना होगा। RRC की आधिकारिक वेबसाइट RRCER.com पर जाकर उम्मीदवार इस नौकरी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इन पदों के लिए 11 अप्रैल 2022 से आवेदन शुरू किए जाएंगे। आवेदन की लास्ट डेट 10 मई 2022 निर्धारित की गई है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा की आवेदन भरने की आगे बढ़ाई तारीख। बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर छात्रों से आवेदन मांगी गई। इसको लेकर अब तारीख आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि अब छात्र 9 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की तारीख आखिरी पहले 6 अप्रैल 2022 ही BSEB कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए छात्रों के फॉर्म संबंधित स्कूल के प्राचार्य द्वारा आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर भरा जाएगा। आपको बता दें कि कक्षा 10वीं के लिए BSEB कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 में छात्रों को अधिकतम 2 पेपर के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरुण कमल की। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न और काव्यात्मक शैली के ख्याति कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी, अनुवाद कार्य भी किए हैं और लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया। अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार है। साहित्यिक लेखन के लिए उन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईसा को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वो पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हैं। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने नर्सिंग ट्रेनर स्टाफ नर्स के कुल मिलाकर 59 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास नर्सिंग GNM या BSc नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.lifecarehll.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के ITI में शुरू हुआ एडमिशन। बिहार के सभी ITI में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव परीक्षा बोर्ड की तरफ से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2022 की तारीख 29 मई को तय कर दी गई है। बिहार के 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए 2 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। अभ्यर्थी BCECEB की आधिकारिक वेबसाइट www.bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। अभ्यर्थियों का दाखिला योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। गणित विज्ञान और अंग्रेजी विषय में अधिक नंबर वाले अभ्यर्थी को दाखिले में प्राथमिकता दी जाएगी।
आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया खाना बनाने का सही समय। भीषण गर्मी के बीच तेज हवा चलने के कारण अगलगी की आशंका को देखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बीते दिन एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत ही अब लोगों को सलाह दी गई है कि वो खाना सुबह 9 बजे से पहले और शाम में 6 बजे के बाद ही बनाए। विशेषकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से अपील की गई है कि वो इस नियम का हर हाल में पालन करें। प्राधिकरण की तरफ से ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि खाना बनाने के दौरान सूती कपड़ा पहनने, रसोई घर के पास मिट्टी या बालू रखने और 2-3 बाल्टी पानी रखने की भी सलाह दी गई है। फूस का घर होने पर दीवार पर मिट्टी का लेप लगाने, खाना बनाने के लिए रसोई गैस के रेगुलेटर का नॉब अनिवार्य रूप से बंद करने को कहा गया है। नवादा के नारद संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पूर्व बिहार में पटना के बाद ये दूसरा बड़ा संग्रहालय के रूप में इंगित है, जो कि नवादा शहर के नवादा चौक के पास स्थित है। ये साल 1973 ईसा में नवादा के प्रथम जिला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक दुर्लभ प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई है। यहां भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णु, मंजू, श्री गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। पाल काल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमा के अलावा यहां उस जमाने की कलाकृतियां भी रखी गई हैं। कौवाकोल के देवनगढ़ से लेकर हिसुआ के सोनसा, अपसड़, पार्वती, रजौली से प्राप्त हुई कई प्रतिमाएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यहां कई प्राचीन हस्त पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई। मुगल काल के सिक्के और मिट्टी के बर्तन, अस्त्र शस्त्र भी सैलानियों के लिए रखे गए हैं। बिहार में मौसम के दिख रहे हैं अलग अलग रंग। बिहार में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में हैं। वहीं उत्तर पूर्व इलाके में बादल और बूंदाबांदी की स्थिति है। वहीं कई इलाकों में सुबह से ही धुंध की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं इधर गया, औरंगाबाद, जमुई, बांका, नवादा, रोहतास, कैमूर और इससे सटे इलाके लू की चपेट में है। हालांकि बुधवार को बांका, बक्सर, शेखपुरा और पूर्वी चंपारण में हीट वेव की स्थिति रही। मौसमविदों में अगले 3 दिन राज्य के दक्षिण भाग में, विशेषकर दक्षिण मध्य भाग में लू या हीट वेव से हीट स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न होने की चेतावनी जारी की है। बिहार के इन 35 शहरों में चुन सकते हैं नीट परीक्षा का सेंटर। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन के लिए नीट यूजी 2022 के लिए बीते दिन से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसको लेकर छात्र neet.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 7 मई तक फीस का भुगतान कर सकते हैं। नीट यूजी 2022 परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई को होगा। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग को 1600 रूपये, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 1500 रूपये और SC/ST वर्ग के छात्र को 900 रूपये का भुगतान करना होगा। बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल रिजल्ट की हुई घोषणा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार ने बीते दिन प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। इसको लेकर 2.34 लाख कैंडिडेट्स ने लिखित परीक्षा दी थी, जिसके बाद ही अब जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने CSBC बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा दी है, वो आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। CSBC बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी 2022 के दिन सुबह 10 से 12 के बीच किया गया था। करीब 2.34 लाख कैंडिडेट्स ने यह परीक्षा लिखित दी थी। इसमें लिखित परीक्षा में 1825 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। इन चुने हुए कैंडिडेट्स को फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट देना होगा। पीईटी परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2022 के दिन किया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड 13 अप्रैल 2022 को जारी होगा। बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणाम की हुई घोषणा। बीते दिन बिहार विधान परिषद के सभी 24 सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई, जिसमें अधिकतर सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। बीते दिन घोषित किए गए परिणाम में सीतामढ़ी में जदयू उम्मीदवार रेखा कुमारी, मधुबनी में निर्दलीय प्रत्याशी अंबिका गुलाब यादव, कटिहार में भाजपा के अशोक अग्रवाल, पश्चिमी चंपारण की सीट पर राजद के उम्मीदवार सौरभ कुमार, गया में राजद के कुमार नागेंद्र, सासाराम में भाजपा उम्मीदवार संतोष कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर में जदयू प्रत्याशी दिनेश सिंह, सारण में निर्दलीय उम्मीदवार सच्चिदानंद रॉय समेत अन्य ने जीत दर्ज की है। प्रवासी मजदूरों को दोगुनी राशि देने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में दूसरे राज्य में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की जान गंवाने वालों के परिजनों को मिलने वाले अनुग्रह अनुदान को दोगुना करने की तैयारी हो रही है। वर्तमान योजना के अनुसार अब तक प्रवासी मजदूरों की जान जाने पर सरकार 1 लाख रूपये तक उनके परिजनों को दे रही है। इसे 2 लाख करने की तैयारी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार श्रम संसाधन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जानकारों की माने तो इसको लेकर जल्द इसकी मंजूरी राज्य कैबिनेट से ली जाएगी। अनुमति मिलने के साथ ही उम्मीद है कि इसके बाद यह निर्णय अमल में आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार में काम करने के दौरान जान गंवाने या विकलांग होने पर राज्य सरकार की तरफ से लाभ दिया जाता है। बिहार के लोगों की आयु राष्ट्रीय औसत के बराबर। नीति आयोग की तरफ से गत वर्ष 27 दिसंबर को अपना एक रिपोर्ट जारी किया गया था। इसमें ही बिहार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी और इसके विभिन्न मानकों में सुधार के बावजूद देश के अन्य राज्यों से पीछे है। रिपोर्ट की माने तो बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की जरूरत है।
हेल्थ इंडेक्स के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान 18वें नंबर पर है। आयोग ने हेल्थ इंडेक्स के लिए साल 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में लिया है। चार राउंड के सर्वेक्षण में केरल शीर्ष पर रहा। हालांकि इन सबके बीच राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी स्थिति में सुधार कर रहा है। गर्मी के मौसम में सुबह अब 5 से 8 बजे तक मिलेगा नल का जल। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी घर हर घर नल का जल योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के ही तहत अब बिहार के सभी जिलों में हर घर नल का जल पहुंचाने का काम लगभग पूरा हो गया है। इसी के तहत बीते दिन पीएचईडी मिनिस्टर रामप्रीत पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में अभी तक किसी भी जिले से वाटर लेवल डाउन होने की शिकायत नहीं आई, लेकिन विभाग अपने स्तर से हर संभव पहल की तैयारी कर रहा है। प्रदेश में पीएचईडी विभाग द्वारा जितने भी चापाकल लगाए गए हैं वो अब खराब हो गए हैं और उनकी मरम्मती का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बिहार में गर्मी के मौसम में जलापूर्ति को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल से राज्य के सभी ग्रामीण वार्डो में जलापूर्ति को सुबह 5 बजे से 8 बजे तक कर दिया गया है। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मोटर चलाए जाने का निर्देश भी दिया गया है। बिहार में वंचित समाज के लिए काम करने वाली संस्थान और व्यक्ति होंगे सम्मानित। बिहार में जल्द ही वंचित समाज के लिए काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित करने का काम होने वाला है। संस्कृति पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय इसको लेकर खास पहल करने जा रहा है, जिसके तहत ही इस काम से जुड़े सभी लोगों को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना बनाई गई है। इसको लेकर मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान यदि राज्य में है तो उनके नाम संस्कृति पर्यटन एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को हर हाल में अप्रैल के अंत तक मुहैया करा दे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक आग्रह पत्र भेजा था। उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से सभी प्रमंडलों के आयुक्तों के साथ ही जिलाधिकारियों को एक दिशा निर्देश जारी कर जिलों से उनकी अनुशंसा आमंत्रित की गई है। शराबबंदी कानून में संशोधन से जेल में बंद आरोपित को बड़ी राहत। शराबबंदी संशोधन के नए प्रावधान के बाद शराब पीने के जुर्म में जेल गए इन आरोपियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, जिसके साथ ही शपथ पत्र भरने पर इनका केस भी बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 4 महीने में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किए गए 43,000 से अधिक लोगों में 14,000 से अधिक शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार हुए। इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार 1 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक उत्पाद विभाग की टीम ने कुल 85,280 छापेमारी की, जिसमें 7,442 अभियोग दर्ज किए गए हैं। अब भाजपा सभी जिलों में तैनात करेगी बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख। बिहार भाजपा अब अपनी पार्टी को बिहार भर में और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसी के तहत भाजपा अब यूपी की ही तरह बिहार में भी हर बूथ पर पन्ना प्रमुख तैयार करने वाली है। इसकी जानकारी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस मौके पर पार्टी सभी बूथों पर पन्ना प्रभारी बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है। इसे हासिल करने के लिए खासतौर से रणनीति तैयार की जाएगी और इसके आधार पर काम किया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए प्रयास करना होगा। आज से पार्टी की तरफ से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है। बीएसएफसी भवन बनेगा स्टार्टअप टावर और इंदिरा भवन बनेगा इन्वेस्टमेंट हब। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन जहां एक तरफ जीरो लैब की शुरुआत कर दी, वहीं दूसरी तरफ सैयद शाहनवाज हुसैन ने ऐलान किया है कि पटना के फ्रेजर रोड पर जो बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो भवन है उसे स्टार्टअप टावर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा भवन को छोटे मंझौले और बड़े उद्योग के लिए इन्वेस्टमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में बड़े उद्योग की स्थापना के लिए गंभीर प्रयासों के बाद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में स्टार्टअप्स को भी मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। जमा खान ने सीएम नीतीश को बताया बिहार एनडीए का बैकबोन। बिहार विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम बीते दिन जारी कर दिया गया, जिसमें एनडीए ने सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद ही एनडीए समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखने को मिली। तो वहीं दूसरी तरफ परिणाम आने के साथ ही बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जदयू नेता जमा खान ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत ही उन्होंने पहले तो जनता का धन्यवाद दिया, फिर कहा कि एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। बतौर सीएम नीतीश कुमार बिहार का तेजी से विकास कर रहे हैं, हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। उसी का परिणाम है कि इस चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। उन्होंने कि इस चुनाव में जनता ने राजद को नकार दिया है, क्योंकि सबको पता है कि वो पार्टी एक परिवार तक ही सीमित है, लेकिन एनडीए के बैकबोन सीएम नीतीश है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज।
प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय 1831 में इंग्लैंड पहुंचे। क्रांतिकारी भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त ने 1929 में आज ही के दिन दिल्ली असेंबली पर निशाना साधा था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 1950 में आज ही के दिन दोनों देश ने अपने अपने देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने और भविष्य में दोनों देश के बीच युद्ध की संभावनाओं को खत्म करने के मकसद से समझौता किया। कंप्यूटर इंजीनियरों ने 1959 में एक नई प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल तैयार करने के लिए बैठक की। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने 2008 में सिखों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक घोषित किया। तेलुगु चलचित्र अभिनेता अल्लू अर्जुन का 1983 में जन्म आज के दिन हुआ। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह के सिपाही मंगल पांडे का 1857 को उन्हें आज के दिन सजा दी गई। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1894 में आज के दिन आखिरी सांस ली थी। कृणाल पांड्या के साथ हुए झगड़े पर दीपक हुड्डा ने तोड़ी चुप्पी। आईपीएल नीलामी में जब नई फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कृणाल पांड्या और दीपक हुड्डा को खरीदा तो क्रिकेट के गलियारे में खूब चर्चा होने लगी। ये चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि एक घरेलू टूर्नामेंट के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी तकरार हुई थी और दीपक हुड्डा ने तो टीम का साथ भी छोड़ दिया था, मगर आईपीएल में ये दोनों खिलाड़ी एक बार फिर से एक ही टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कृणाल पांड्या के साथ हुए विवाद पर दीपक हुड्डा ने हाल ही में चुप्पी तोड़ी और उन्हें अपना भाई बताया। गूगल मैप्स के जरिए चुटकियों में पता करें ट्रेन का लाइव स्टेटस। भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में समय पर चलने की आदत को अपनाया है, लेकिन फिर भी कई बार ट्रेन लेट हो जाती है। ऐसी स्थिति में ट्रेन की लाइव रनिंग स्थिति को ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। लाइव ट्रेन स्टेटस काम में आता है क्योंकि ऐप से ट्रेन के अराइवल के समय, स्केड्यूल, डिले स्टेटस और कई अन्य नोटिफिकेशन मिल जाती है। वहीं कई थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं जो समान वर्क फंक्शन प्रदान करती है। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल मैप्स ओपन कीजिए। इसके बाद सर्च बार में डेस्टिनेशन स्टेशन सर्च करें। उसके बाद ट्रेन के आइकॉन पर टैप कीजिए। फिर डेस्टिनेशन डायलॉग बॉक्स में नीचे टू व्हीलर और वॉक आइकॉन के बीच मौजूद ट्रेन आइकॉन पर टैप कीजिए। इसमें ट्रेन आइकॉन वाले रूट ऑप्शन पर टैप कीजिए। फिर लाइव ट्रेन का स्टेटस चेक करने के लिए ट्रेन के नाम पर टैप कीजिए। इसके बाद आपको अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस आसानी से मिल जाएगा। क्या निरहुआ ने किया आम्रपाली दुबे से नेपाल में शादी, वायरल हुई तस्वीर। दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ने आम्रपाली दुबे से नेपाल में शादी कर ली। हालांकि इससे पहले कि आप सोचे कि दोनों ने सच में शादी कर ली है तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, दोनों ने शादी तो की है लेकिन फिल्म में। दरअसल निरहुआ ने आम्रपाली के साथ एक फोटो शेयर की है जिसमें दोनों नेपाल के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर कर निरहुआ ने लिखा कि नेपाली शादी। अब भले ही दोनों ने फिल्म में शादी की है लेकिन फैंस से लेकर कुछ सेलेब्स तक उन्हें फिर से बधाई देने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने मांगा जब्त गाड़ियों को सड़क पर रखने का ब्यौरा। पटना हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में जब्त किए गए वाहनों को सड़क पर रखे जाने का पूरा ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को आगामी 9 अप्रैल तक ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता शिल्पी केसरी की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई की। इस बाबत कोर्ट ने कहा कि राजधानी के सभी थानों में वाहनों को जब्त कर उसे सड़क पर रख दिया जाता है जिस कारण आमजन को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। उन्होंने पटना के गांधी मैदान थाने का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद जब्त गाड़ियों को हटाया गया है लेकिन कई अन्य थानों में जब्त गाड़ियों को सड़क पर ही रख दिया गया है। कोर्ट ने सरकार को जब्त गाड़ियों के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रोहित सिन्हा, रोहित शर्मा, रघुनाथ प्रसाद, अमित कुमार पासवान, जितेंद्र ठाकुर, गौतम कुशवाहा, रिशु कुमार, रविशंकर कुमार, सौरभ सिंघानिया, रविशंकर सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून में किए गए संशोधन से आप संतुष्ट हैं या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।